अमजद खान ने ही तो पहले किसे गब्बर सिंह का रोल ऑफर किया गया था? रिजिंग कौन है और रिजिंग का टाइगर श्रॉफ से क्या कनेक्शन है? रिजिंग किस बॉलीवुड फिल्म से डेब्यू करने जा रहे हैं और रिजिंग अपने पापा के पदचिन्हों पर क्यों नहीं चलना चाह रहे हैं? हेलो दोस्तों, मैं सोनिका स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, बॉलीवुड के टॉप विलन्स को अगर हम याद करें तो उनमें डैनी का नाम जरूर आता है। डैनी कितने बड़े विलन हैं इसका अंदाज़ा तो इस बात से लगाया जा सकता है कि जब वो पर्दे पर आते थे तो लोग भयंकर गुस्सा जाते थे। बॉलीवुड के काचा चिना, बख्तावर और कात्या, ये ऐसे रोल है जिन्हें भला कौन भूल सकता है। डैनी ने कई फिल्मों से हम सबको चौंका कर रख दिया था। वैसे डैनी एक एक्टर नहीं बनना चाहते थे, वो एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहते थे। उन्होंने अपनी माँ को बताया था कि मैं एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ, लेकिन उनकी इस बात से उनकी माँ बहुत डर गई थी और उन्होंने कहा कि आप आर्मी ऑफिसर नहीं, आप एक्टर बन जाइए। तो अपनी माँ की बात मानते हुए डैनी एक एक्टिंग स्कूल में एडमिशन के लिए चले गए। उन्होंने वहाँ एडमिशन लिया, लेकिन पहले डैनी का बहुत मजाक उड़ाया जाता था उनके नाम को लेकर, उनके चेहरे को लेकर। उनका नाम डैनी नहीं था, उनका नाम था शेयरिंग फिंग्स को, लेकिन उनके क्लासमेट ने उनका नाम डैनी रख दिया। और उनकी वो क्लासमेट और कोई नहीं बल्कि जया बच्चन थी। जया ने उन्हें डैनी नाम दिया और इसके बाद डैनी की किस्मत बदल गई। डैनी ने बहुत मेहनत की और उसके बाद ज़रूरत, धुंध ऐसी फिल्में हमें दी। दोस्तों, डैनी एक लेजेंडरी एक्टर है, उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है और अब उनके बेटे बॉलीवुड में एंट्री करने वाले हैं अपनी फिल्म स्कॉट से। डैनी के बेटे जो हैं वो, उनका नाम है रिजिंग, और रिजिंग अपने पापा के पदचिन्हों में नहीं चलना चाहते, मतलब कि वो काचा चिना जैसे रोल नहीं करना चाहते, विलन नहीं बनना चाहते, वो एक एक्टर बनना चाहते हैं और इस फिल्म में भी वो लीड रोल करने वाले हैं। वेल, रिजिंग और टाइगर श्रॉफ बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब टाइगर श्रॉफ हीरोपंती की शूटिंग कर रहे थे उस वक्त रिजिंग ने ये भी कहा था कि मैं भी टाइगर श्रॉफ जैसी बॉडी बनाना चाहता हूँ, और उस वक्त से ही वो अपने फिजिक में बहुत ध्यान देने लग गए थे क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें जल्द ही बॉलीवुड में एंट्री करने वाली है। वेल, अपनी इस फिल्म में रिजिंग धमाकेदार एक्शन सीन्स करते हुए नजर आएंगे। इस फिल्म में एक बच्ची की कहानी दिखाई जाएगी जो एक साजिश में फंस जाती है और रिजिंग उनकी मदद करते हैं। इसी दौरान रिजिंग के बहुत सारे एक्शन सीन्स आपको चौंका कर रख देंगे। और दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट कर रही हैं ज्योति कपूर दास। ज्योति ने इससे पहले दो शॉर्ट फिल्में डायरेक्ट की हैं, उन दोनों फिल्मों का नाम है चटनी और प्लस माइनस, और प्लस माइनस में आपने यूट्यूब सेंसेशन भुवन बाम को भी देखा होगा। और अब ज्योति इस फिल्म से तहलका मचाने को तैयार है। ये इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है 19 अप्रैल से। तो दोस्तों, आपको इस फिल्म का कितना इंतजार है हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसी तरह के दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।